डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का फिजिक्स का डेरिवेशन से मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के क्षेत्र का है। तो यहाँ पर देखिए, दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। हमें डेरिवेशंस करना है जब उसके चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता किस पर निकालनी है, अक्ष पर निकालनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार पूछते हैं। तो ये देखिए, पूरा मैंने डेरिवेशन किया है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। चित्रानुसार एक दंड चुंबक जिसके ध्रुवों की प्रबलता m है, देखिए ये एक हमने दंड चुंबक लिया है, ठीक है। यहाँ पर इसके ध्रुवों की प्रबलता क्या होती है, m होती है, ये तो आपको पता ही है। और इसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये ऐसा कैसे, बोर्ड में आप लिख के आओगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसके अक्ष पर ही हमें निकालनी है। जैसे इसका अक्ष है, इसके अक्ष यहाँ पर हमने कोई बिंदु P लिया है ना, P मान लिया। बिंदु P पर दंड चुंबक के केंद्र से दूरी कितनी ले रहे हैं, आर ले रहे हैं ना, आर दूरी पर स्थित है। तो केंद्र बिंदु का, यस ये चुंबक है, इसके चुंबक के केंद्र बिंदु यानी कि ये बीच में पॉइंट, यहाँ से O से यह दूरी कितनी है, ये दूरी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक P बिंदु लिया है, आर दूरी है ना, ये दूरी आर ली है। देखिए ये ए बिंदु है और ये मैंने बी बिंदु लिया है ना, थोड़ा नीचे लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ, ये बी बिंदु है, ठीक है। और ये जो दंड चुंबक होती है, यहाँ से यहाँ ये चुंबक का एस ध्रुव है, ये एन ध्रुव है, ये बीच में केंद्र बिंदु ओ है, यहाँ से यह लंबाई होती है वो एल होती है, और इसके केंद्र बिंदु से एन ध्रुव तक लंबाई एल होती है, यानी टोटल लंबाई कितनी होती है चुंबक की, 2L, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये केवल इस बीच में समझाने के लिए मैंने लिखा, ऐसे लिखना नहीं आपको, ये 2L है, ये ए बी चुंबक है, ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, ये बाहर लिख सकते हैं आप, ठीक, या अंदर लिख सकते हो, है ना। ये बिंदु P लिया, इसकी यहाँ से दूरी R है, तो ये अगर R है तो ये कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ घटा दो, ये L है तो R माइनस L हो जाएगी, है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी R माइनस L, और ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी ये देखिए, यहाँ से दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी है यहाँ से यहाँ तक R है, तो ये बाकी कितनी है, L है, तो R प्लस L हो जाएगी, है ना। तो ये हमने ये इसका डायग्राम बना दिया। बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए बिंदु P है, उसके उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर कितनी हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला होता है B1 = यानी इसके लिए निकालते हैं तो इसके लिए B1 मानते हैं ना, μ0/4π, ये होता है μ0/4π m। और यहाँ पर देखिए इसकी दूरी कितनी है वो लेनी है, इसकी दूरी है R-L, अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर कितनी है R-L, तो इसका करेंगे होल स्कोर, है ना, R-L का स्कोर, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, तो ये इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दी। इसी प्रकार S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए अब ये तो P ध्रुव के कारण निकल रहा है ना, ये उत्तरी ध्रुव के कारण है बिंदु P पर, ये S ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है, तो देखिए S ध्रुव के कारण क्या होगी, इसके लिए लंबाई है N ध्रुव के कारण R-L है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी R+L हो जाएगी, है ना। अब देखिए ये अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर था, तो ये अक्ष के अनुदिश अंदर की ओर होगा, है ना, अंदर की ओर होगा, तो इसमें अंदर की ओर होगा, ये देखिए यहाँ पर प्लस एम आया था, यहाँ ध्रुव प्रबल था, तो इसके लिए क्या आ जाएगी माइनस एम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कैसा है, इसके लिए B2 मानते हैं, ऐसे कैसे है μ0/4π। अब यहाँ ध्यान रखना, यह प्लस एम है तो एक बार हमने माइनस एम लेना है ना, और यहाँ इसकी दूरी R-L थी, तो इसकी दूरी कितनी है पूरे के लिए R+L है, ये किसके लिए, एस ध्रुव के लिए, एस ध्रुव के लिए R+L है, R+L का होल स्क्वायर, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, अक्ष के अनुदिश अंदर की ओर। ये देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी, इस परिणामी तीव्रता यानी कि यहाँ पर जो इसका परिमाण आएगा तीव्रता का वो कितना होगा, तो ये जो B1 के लिए निकाली है यानी कि उत्तरी ध्रुव के लिए और दक्षिण ध्रुव के लिए टोटल ऐड कर देंगे, तो B = B1 और B2 में ऐड कर देंगे, है ना। तो B1 की वैल्यू है μ0/4π m R-L का होल स्क्वायर प्लस B2 की है μ0/-m R+L का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए यहाँ भी μ0/4π कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा m, देखिए m है, m है, m भी कॉमन हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर m भी हमने कॉमन ले लिया, m भी कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर बच जाएगा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बच जाएगा ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1/R+L का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा μ0/4π। यहाँ से इसका LCM ले लेंगे, तो देखिए इसका LCM आ जाएगा R²-L²/2, इसका इससे गुणा करना, इसका इससे गुणा करना, सॉल्व करेंगे तो 4RL आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना आता तो आपको याद रखना 4RL आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ से R²+L²+2RL, यहाँ से हो जाएगा R²-L²+2RL,
तो ये इससे कट जाएगा और टू आर एल फोर आर एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए म्यू नोट ये एम है ना, एम ये इसके अंदर ले रहा हूँ, है ना। तो म्यू नोट अपॉन फोर पाई एम इसके अंदर ले लेंगे और इसको दो टुकड़ों में बांटेंगे। फोर एल को क्या लिख सकते हैं, फोर आर एल को टू इंटू टू आर, टू एल इंटू टू आर लिख सकते हैं। देखिए दो दूनी चार और एल आर आ जाएगा वापस, ठीक है। तो टू एल इंटू टू आर लिखा, तो यहाँ पर एम इसके अंदर ले लिया, टू एल इंटू टू आर, नीचे वापस ऐसे का ऐसे लिखना है। म्यू नोट अपॉन फोर पाई एम इंटू टू एल क्या होता है, हमें पता है एम इंटू टू एल क्या होता है, कैपिटल एम होता है। तो ये हमने कैपिटल एम लिख दिया, टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए आर है ना, जो आर दूरी वो एल, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, यानी कि इसको इग्नोर किया जा सकता है ना। तो बी जो टू टोटल बी क्या हो जाएगा, मी नोट अपॉन फोर फाइव एम इंटू टू आर। अब देखिए ये एल है ना, इसको इग्नोर करना है क्योंकि ये आर इससे बहुत बड़ा है ना, ग्रेटर ग्रेटर देन, तो आर बड़ा है तो ये इग्नोर करना है। तो इसका स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, टोटल फोर हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा। अब आर से आर कट जाएगा नीचे, नीचे क्या बच जाएगा, केवल बी इज इक्वल टू मी नॉट अपॉन फोर पाई टू एम हो जाएगा, दो एम बट्टा आर क्यूब हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर तीन दे दिया। और चुंबक की दिशा होगी वो क्या है, एस से एन से एस की तरफ बाहर की तरफ, और ये चुंबक की तीव्रता बी ए बिंदु पी के लिए, ये डायग्राम नीचे बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो चुंबक दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबक की क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना था, डेरिवेशन करना था, कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।